अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। ललितपुर ग्राम टीला ब्लॉक बार तहसील महरौनी जिला ललितपुर में ग्राम प्रधान एवं कोटीदार द्वारा सरकार की द्वारा ग्रामीण गरीब लोगों को दिए जाने वाली योजनाओं में फलिता लगाती नजर आ रही है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के ऊपर शौचालय प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा की मजदूरी न मिलने से परेशान है। ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास में पैसे लेकर भी पूरा काम नहीं कराया गया है। आवास योजना में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के ऊपर 15-15 हज़ार लेकर कार्य कराने का आरोप लगाया है। वहीं अभी तक पूरा पैसा भी प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिला है, जिससे प्रधानमंत्री आवास अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं कोटेदार की माने तो कोटेदार कैमरे के सामने ही यह कहते हुए नजर आई कि हमें सरकार द्वारा ही खाद्यान्न कम मिल रहा है, इसलिए हम प्रति कार्ड पर 1 किलो गेहूँ चावल कम देते हैं। वहीं कोटेदार ने 1 किलो गेहूँ चावल कम देने पर अपना भाड़ा किराया खर्चा निकालने का हवाला दिया और बताया कि हम ट्रैक्टर द्वारा खाकाने उठाने जाते हैं और सरकार द्वारा हमें कोई मदद नहीं दी जाती, इसलिए हम प्रति कार्ड पर 1 किलो गेहूँ चावल कम देते हैं जिससे हमारा खर्चा निकल सके। वहीं कोटेदार गरीबों का हक खाने के बाद लड़कर अपना हक मांगने की भी बात कर रहा है। पहले 1 किलो गेहूँ 1 किलो चावल प्रति कार्ड पर कम कर देता है, फिर उसके बाद लड़कर अपना हक मांगने की बात भी कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे ग्रामीण गरीब वर्ग के लोग परेशान हैं। ऐसे कोटे वालों पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, अब यह देखने वाली बात है क्या कार्यवाही होगी। ललितपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। मैं आपका कमली कहाँ की निवासी हो? मुनिरा। क्या है आपका मामला? कुगा को काम करो और है तो नरवा की सफाई करी, पैसा नहीं आ हुआ। क्या मनरेगा के तहत काम किया था? मनरेगा के नरेगा में? हाँ नरेगा में। कितने दिन का काम है आपका? करो है ना 2-3 महीना काम, 10,000 रुपया रहे हमारे तो। क्या कहते हैं प्रधान? ये कलात के डाव आते हैं खाते में, फिर जाते मौते या उतने ना खाते में, ये कौन करना नहीं करे। अभी गांव में किसी को पैसा मिला है कि नहीं मिला? सब के रहे पैसा वे, किसी को नहीं मिला। हाँ बहुत काम करा लो, पैसा दे नहीं है। और भी हो रहा है, क्या रहे 2-2 किलो कम है हर राशन। जो बात सही है, 2-2 किलो कम है। और कब हम बता रहे हैं आपको कि हम बता रहे हैं जो बात से सही है। जैसे भाई साहब अबे सरकार पैसा तो दे नहीं रही, किराया भाड़ा तो मतलब सभी कोटेदार लगा रहे, बोरी उतर से 52 की लगती आ रही, अपन हो कौन 46 कर रही, कौन 48 कर रही, कौन कितने कर रही, जो ऐसा तो आए नहीं। हम आपसे जैसे हम आपसे कह दें कि आप 25 यूनिट है 25 किलो भाव, आपसे कह के दे रहा है कि 1 किलो चावल 1 किलो गेहूँ कम ले जाओ, आप स्वतंत्र हो ले जाओ, नहीं भाई लड़के ले जाओ, तुम्हारा अधिकार है। किस गांव की निवासी है? हम टीला मुजरा। क्या है मामला आपका? आपको जो है मामला के हमारे 90 दिन के रुपया नहीं देना है प्रधान जी ने। प्रधान जी ने कागज दाए नहीं है, काउ से उनसे कल के आप डरवा दें, आप डरवा दें, डरवा उठे नहीं। जॉब कार्ड कहाँ है आपका? जॉब कार्ड है घरे रखे, घरे रखे। ठीक है, अरे आया है आपका प्रधानमंत्री आवास तो आगा हम बनेगा पूरा कंप्लीट होगा। अरे अच्छा आपके पैसा मैसा हुआ डरवाए नहीं है? कितने कितने पैसे लिए हैं उनने? लाए 15,000 रुपये प्रधान जी ने। और प्रधान जी ने कैसे डलवाए आपके? ओ कम आवे पैसा डरवाया बेटा, नहीं हुआ पैसा। क्यों दिए आपने पैसे, क्या बोल कर लिए? भेजा करते के सब किलाए से हम तमाए ले, हमने तो दो अच्छा, सबसे लिए हैं पैसे 15-15 हज़ार से 15 हमने दे। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो फ्री खाद्यान्न दिया गया था एक समय, एक बार फ्री खाद्यान्न और एक बार पैसे में, जो आपको फ्री खाद्यान्न मिला कि नहीं मिला? तो कुछ नहीं मिलो, ने हमन को खरीदा हुआ और ने पैसा को दा हुआ, कैसे होनी हमन को तो दा। क्या करता है फिर कोटेदार? तुम्हारे पैसे आए नहीं कोटा, हम कहा दे दी मैं।